ऊना जिले की अम में स्कूल में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गीत गाने से रोकने का मामला गर्मा गया है, जिसके चलते एक बार फिर प्रदेश में हिंदू संगठन ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज धर्मशाला में शिवसेना हिंद के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र धीमान ने कहा कि सरकार इस मामले को हल्के में ना ले और इस मामले से जुड़े सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही इन लोगों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं इसकी भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द अपनी सभी जांच एजेंसियों को काम पर लगाए, क्योंकि आज हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही चिंतनीय है। यह था कि जो देहरा के पास है काफी सारी जमीन जो है वो उपलब्ध है, तो जमीन की कमी नहीं है। सरकार चाहे तो लिखकर पे 50 रुपया पर बोतल रुपया लगा के 400 करोड़ के आसपास का अपना फंड तैयार करके इस काम को शीघ्र से शीघ्र कर सकती है। तो हमारा ये मानना है कि इसको शीघ्र से शीघ्र कर देना चाहिए, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया। तो उसके लिए हमारा ये कहना है कि अब हम सभी 68 जो विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो विधायक जो जीते हुए विधायक हैं उन सबको हम पत्र लिख रहे हैं, और हम अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम हैं उनको भी हम पत्र भी लिखेंगे, उनसे मुलाकात करने के समय भी लेंगे, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और हम उनसे सीधे संवाद करके ये बात हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नरेंद्र धीमान का कहना है कि हिमाचल सरकार ने गौरक्षा की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसके चलते अब शिवसेना हिंद प्रदेश के सभी 68 विधायकों को पत्र लिखकर उनसे सहायता के लिए मांग करेगी और अगर सहयोग नहीं मिला तो उनके बारे में जनता को बताया जाएगा। मामला ये था कि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से बच्चों को इनकार किया, उन पर जबरन दबाव डाला कि आप राष्ट्रगान ना गाएं। उसमें कोई जो हमारे दूसरा समुदाय है मुस्लिम समुदाय उससे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। तो जितने आज दिन तक इनकी पूरे इंडिया से इनके खिलाफ रिपोर्टें आ रही हैं जिहादी टर्म्स के थ्रू, तो उसके लिए कि देवभूमि में ये काम ना हो पाए, उसके लिए जो पालमपुर नूरपुर ऊना काफी ज्यादा इसमें हाईलाइट में आ रहे हैं, ये तीनों स्थानों में इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। इससे जुड़े हुए लोगों को खुफिया विभाग को और जो हमारा पुलिस प्रशासन है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मांग ये है कि इसकी गहराई तक जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ मुद्दा सिर्फ इतने में नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ इतनी सी बात है, इसकी बड़े गहरे जो है आतंकवादी कनेक्शन जो है वो भी इसके पीछे है, जो इसके लिए जिहादी जो आपका आइडियोलॉजी है वो इसमें वर्कआउट कर रही है। देवभूमि हिमाचल में इस किस्म की आतंकवादी घटनाएं आगे आने वाले टाइम पे ना हो पाए, उसके लिए हमारी सरकार से ये मांग है कि इसके लिए जितने भी दोषी हैं, सिर्फ एक वो बंदा ही दोषी नहीं है, उसके अलावा और जितने भी उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी जांच की जाए। क्या मामला क्या होगा? आज एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत नहरिया के प्रधान की तरफ से कि वहां पर कोई स्कूल है प्राइमरी, वहां पर बच्चों को राष्ट्रीय गान करना शुरू कर दिया है राष्ट्रीय गान का। ये शिकायत प्राप्त हुई है प्रधान की तरफ से और ये एक तमंच है तमंच की तरफ से, इसकी जांच करवाई जाएगी और जैसे भी होगा कानून के अनुसार कार्रवाई अमल लगाई जाएगी।